बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ढंग से करना है, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी इसमें से। AgBr प्लस CH3NH2, CSO4 प्लस C2H5NH2। AU पे चार्ज प्लस वन होता है, याद रखना है ना। AU पे चार्ज कितना लेना है? प्लस वन, प्लस H2। O2 क्यों डाला होगा? ताकि गोल्ड किसमें चला जाए? प्लस वन स्टेट। O2 किस लिए डाला यहाँ पे? पर्पस ऑफ एयर क्या है यहाँ पे? टू ऑक्सीडाइज गोल्ड टू इट्स प्लस वन स्टेट। बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है, नहीं बाकी क्वेश्चन वैसे ही करना है। चलो यही कर लो, यही करना। अभी ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं टॉपिक वाला, रिएक्शंस ऑफ अमोनिया और रिएक्शंस ऑफ KCN। तो वहां पे मैं इसको यूज करूंगा, भूलना नहीं है उसको। देखिए गलत नहीं है, पेपर पे अच्छे तरीके अच्छा। अच्छा
सर तो है। हाँ कर ली ड्राइव, उसको भेज दी वर्क कर देता है। ड्राइव एक बार AGBR, ये डी बताएगी पहले, AGBR प्लस CH3NH2 क्या बनेगा? सुनो मेरी बात, CH3NH2 क्या आयनिक कंपाउंड है? आयनिक तो नहीं है ना, फिर पूरा अटैच करोगे बस, बोलो आंसर। हाँ Ag CH3NH2 होल ट्वाइस और बाहर भी यार। और क्या क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? मिथाइल अमीन डिजोल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, क्यों डिजोल्व करता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या समझ आ गए? समझ आ गए कि नहीं है? ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, समझ आ गए कि नहीं है? बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये, मिथाइल अमीन डिजोल्व्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐसे करके। नेक्स्ट नेक्स्ट में बता जरूर तू क्या बनेगा। C2H5NH2 होल ट्वाइस, कॉपर पे चार्ज कितना बोलेगा तू? कॉपर पे चार्ज कितना है? प्लस टू, तो कितने आएंगे? फोर, होल फोर, और बाहर क्या आ जाएगा? SO4। समझ आ गया कि नहीं? क्वेश्चन कैसा आएगा? कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स इन इथाइल अमीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिजॉल्व्स इन इथाइल अमीन सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। लिख देना जरूर लाइन, और लिख देना इसके नीचे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ताकि याद रहे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है ये, प्रेसिपिटेट नहीं है। नेक्स्ट में क्या बनेगा बता देते, आंसर बोलियो, कुछ और मत बोलियो। ठीक इसकी उसको सही कर, इसके एन होल सिक्स, AUCN आगे क्या बोल रहा है? 4-6 AUCN, देख AU पे चार्ज प्लस वन आ जाएगा, प्लस वन आया तो कितने साइनाइड आएंगे सर? दो, तो AUCN2, और बाहर क्या आएगा? K, समझ आ गया कि नहीं? ये आएगा आंसर, 6 क्यों आएगा? प्लस AU पे प्लस वन आएगा ना, प्लस वन क्या, तो कितने CN आएंगे? बताया ना मैंने, ऑक्सीजन किस लिए यूज किया है? एच टू तो रिएक्शन कराने के लिए, तो मैंने बताया था ना, ये पर्पस ऑफ एयर इज टू ऑक्सीडाइज गोल्ड। अब ये देखो कौन बताएगा, AgBr प्लस Na2 पता है? बताओ बताओ तू कहां से देख के बोल रहा है? तभी गलत है, और कौन कहेगा? ट्राई कर रहा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ट्राई तो कर एटलीस्ट टू सी। और कौन जाएगा ये? पराग तू बोल, एजी NO2। हाँ एस टू गुड गुड एजी पे चार्ज प्लस वन आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है प्लस वन? देख करके लास्ट में देख, सारे तेरे पास रहे थे वो कभी गलत है। हाँ मैंने हाँ तेरे को फॉलो करेंगे इसलिए। और कौन जाएगा तुम बोलो बेटी? हाँ एन ए,
चार से निकालो जरा, प्लस 3 आ रहा है जी पे। ये आएगा आंसर ए जी, ये तो समझ आ गया ए जी एच टू ओ थ्री होल ट्वाइस, क्या ये समझ आ गया? अभी चार्ज ए जी पे कितना है, प्लस 4 है ना, एच टू ओ थ्री टू नेगेटिव होता है, एच टू ओ थ्री क्या होता है, टू नेगेटिव, तो एन ए थ्री बाहर आएगा सर। ए जी बी आर डिजॉल्व इन हाइपो सोल्यूशन, ध्यान होगा फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी डीएनएफ ब्लॉक में कराया हुआ ये, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी में ये रिएक्शन होती है, मतलब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी। नेक्स्ट Ag2s प्लस NaCN, Ag2s प्लस NaCN क्या बन जाएगा, तुम बोलो प्रियंका। बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर है, सेम ऊपर ही की तरह ऐसे दिए, ये मैंने कराया भी था पहले, ये बन जाएगा ना, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये बात तो नहीं मिली। नेक्स्ट है सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनेगा HgCl2 प्लस क्या आई, HgCl2 प्लस क्या आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनेगा एक। हाँ क्या बनेगा है? नहीं तो चार्ज आ रहा है प्लस 2, देखो चार्ज से करो ना एजी पे, यहाँ पे एजी पे प्लस 2 है ना, तो प्रोडक्ट में भी क्या आना चाहिए प्लस 2, तो क्या आंसर आएगा बोलो विधि, K2HgI4, अगर इसकी एल्कलाइन सॉल्यूशन है तो उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिएजेंट, K2HgI4 प्लस KOH, इस कॉल्ड एज नेचुरल रिएजेंट यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनिया और अमोनियम आयन, याद आ गया कि नहीं? ये जब डिटेक्ट करते हैं तो क्या बनता है प्रोडक्ट, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस, रेडिश ब्राउन पीपीटी, सही ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी। नेक्स्ट CO4 प्लस KCN, CO4 प्लस KCN, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन, बोलो। हाँ ये जरूर ऑप्शन में आएगा और गलत होगा तो, क्योंकि आंसर ही बन रहा है, आंसर ही बनता है ना, ये याद रहे, साइनडाइन इस केस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, कॉपर प्लस टू को प्लस वन में कर देता है, जो तुमने आंसर बोला वही सही है, CuCN4 सही है, लेकिन कॉपर प्लस वन में चला गया तो K2 नहीं आएगा, K3 आएगा, याद आ गया कि नहीं? है ध्यान गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये स्पेशल के जाते ना, तुम आगे जाके भी ये भी देना कि मैं गलत गलत करूंगा, 10 बार 10 बार पूछूंगा, 10 बार गलत, ये हमेशा गलत आएगा आंसर का, और ये पेपर में आया हुआ है, एम्स में पूछा हुआ है 2005 में, एम्स में आया हुआ, आईआईटी एडवांस में आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, K3CuCN4 बनेगा, और ऑप्शन में जरूर होगा K2CuCN4, क्योंकि बनना वही चाहिए ना, यहाँ पे साइनडाइन काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, वो कन्वर्ट कर देता है कॉपर प्लस टू को प्लस वन में, पहले ध्यान था मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ तुम्हें, ये नहीं तो पहले CuCN2 भी बनता है, फिर वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, फिर KCN एक्सेस में डालते हैं तो जाके बनता है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ तुम्हें भी ये, ठीक है? नेक्स्ट CoCl3 प्लस KNO2, CoCl3 प्लस KNO2, तुम बोलो पूर्वा इसका आंसर, CoCl3 प्लस KNO2, अब सीखना चाहिए इतनी देर में तो, बोलो दिवस, तेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया ना, कुछ भी समझ नहीं आया इसमें, मतलब कुछ भी नहीं आया ना तो तू बोल पर आंसर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर, K3CONO2 का होल सिक्स स्पेशल सॉल्ट, देखो CO पे 3+ चार्ज है तो NO2 कितने आएंगे, 6, ये समझ आ गया, अब चार्ज क्या रहना चाहिए, +3, तो क्या बाहर आ जाएगा K3, समझ आ गया, फिशर्स सॉल्ट, फिशर्स सॉल्ट, कोई डाउट तो नहीं है, ये कर लेना जरूर क्वेश्चन, एक लास्ट है, अब ये पूरी क्लास सही कर देना, बहुत सबसे इजी दे रहा हूँ एग्जाम के, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, ये पूरी क्लास में सही होना चाहिए, ZnS प्लस KCN या NaCN, KCN या NaCN और CuSO4 प्लस NH3, ये पूरी क्लास का सही होना चाहिए, सबसे इजी पार्ट दिया अभी,
कर लिया है। चलो एक बार इसका आंसर कौन देगा, देखा बस बोल। आर के टू जेड देखा तो नहीं किसी से? बिल्कुल सही आंसर, परफेक्ट आंसर, यही आंसर कहा रहा तुमने। जेड एन पे 2+ चार्ज है तो जेड एन सी एन 4 बनेगा, और चार्ज रहना चाहिए +2 का तो के टू बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं किसको याद आए। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में पढ़ी है, किस टॉपिक, बच्चे नहीं दे पाएंगे। हाँ मेटलर्जी में पढ़ी थी, कहाँ पे मेटलर्जी में, कहाँ पे तुम बोलो विधि, नहीं याद। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एनएसीएन एक्साइज डिप्रेसेंट, कुछ याद है एनएसीएन एक्ट, याद आ गया था। हाँ कभी कहूँगी चैप्टर का एटलीस्ट कुछ आइडिया होना चाहिए। के टू जेड एन सी एन 4, के टू जेड एन सी एन 4 आंसर तो लिखोगे ना। और नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना उसका नाम क्या है, क्या ये क्या कौन सा आएगा इसको, उसको दिमाग तू बोल। हाँ बिल्कुल सही है, CuNH3O4 और SO4 बाहर, तो कौन सा आएगा इसका, इसका नाम क्या है इस सॉल्ट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट, बोल दो। नहीं यार स्विट्जर्स आयन यार आ गया, स्विट्जर्स सॉल्ट यार आ गया कि नहीं है। ये पूछे हुए ऑब्जेक्टिव में इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, इंपॉर्टेंट वाले स्पेलिंग वगैरह देख लेना। स्विट्जर्स सॉल्ट कह लो, इस आयन को बोलेंगे 2+ आएगा ना जो, स्विट्जर्स आयन, समझ गए कि नहीं है, डाउट तो नहीं कोई, रट देना पूरा यहां तक, नहीं तो नेक्स्ट वाले जो क्लासेस हैं उसके क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो समझ नहीं आएंगे। इसके लिए यूज किया हमने अमोनिया और केसीएल के, कोई बोल रहा मन में कि नहीं, पूरा सॉल्ट एनालिसिस, कोई नहीं बोल रहा अभी, बोलोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर आगे जाकर कुछ समझ नहीं आएगा।